हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 30 जून दिन रविवार है, वह हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों के हितों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सीएम ने आज मंत्रालय में कृषक हितग्राही मूलक योजनाओं सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा कृषि विविधीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था के प्रति किसानों को विश्वास बरकरार रहे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसानों के हितों से कहीं पर भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पर भी गड़बड़ी होती है तो कृषि मंडी के सचिव को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तुवर के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा कोदो कुटकी के रकबे को भी बढ़ाने से पानी बिजली का उपयोग संतुलित होगा, इसलिए कोदो कुटकी का भी उत्पादन बढ़ना चाहिए। वहीं फसल चक्र में किसानों को सुधार मिलेगा, अतः किसानों को कोदो कुटकी की फसल लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना और मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा मौजूद रही। दोस्तों, खबर आ रही कि कांग्रेस के बागियों को बीजेपी देगी बड़ा तोहफा। अर्थात जो विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए हैं उन्हें अब बीजेपी बड़ा तोहफा देने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो चली है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था, जिनको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि मोहन सरकार अपने पहले कैबिनेट विस्तार में इन सभी बागियों को जगह दे सकती है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार दिल्ली आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह कैबिनेट विस्तार को माना जा रहा है और इस कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस से बीजेपी में आए बागियों को जगह मिल सकती है। दोस्तों, मोहन सरकार का पहला बजट 3 जुलाई को होगा पेश। दोस्तों, मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट 3 जुलाई बुधवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसे विधानसभा में पेश करेंगे। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें लगभग 3,65,000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रावधान होगा। इसमें कृषि, महिला और बच्चों के लिए प्रावधान अलग अलग होंगे। इससे पहले 2 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि सड़क, पुल, पुलिया के निर्माण के लिए 9,000 करोड़ रुपए बजट में रखा जाएगा। इस प्रकार मोहन सरकार का यह पहला बजट कृषि, महिला और बच्चों पर आधारित होगा। दोस्तों, प्रदेश में परिवहन चेक पोस्ट व्यवस्था बंद करने के आदेश जारी हो गए हैं और अब नई व्यवस्था होगी लागू। अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के अड्डे के रूप में बदनाम हो चुके मध्य प्रदेश के परिवहन चेक पोस्ट बंद करने के आदेश सरकार ने कर दिए हैं। अब इनकी जगह रोड सेफ्टी तथा इन्फोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे, जिसके लिए होमगार्ड के जवानों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग तैयारी में जुट गया है। विभाग ने स्टाफ की व्यवस्था के लिए होमगार्ड के जवानों को प्रतिनियुक्ति पर मांगा है ताकि इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दोस्तों, कांग्रेस ने बड़ी मांग की है। मांग के तहत बजट सत्र की पूरी कार्रवाई शासन करे लाइव। कांग्रेस मांग कर रही है कि 3 जुलाई से शुरू होने वाले बजट का लाइव प्रसारण होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। इस सत्र में 3 जुलाई को डॉक्टर मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। पूरे सत्र में 19 जुलाई तक 14 बैठकें होंगी। अब इस पूरी कार्रवाई का लाइव प्रसारण करने की नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मांग की है। सिंगार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी पत्र लिखा है। इसमें सिंगार ने मांग की है कि 1 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र की पूरी कार्रवाई को जनसंपर्क और मीडिया चैनलों के जरिए लाइव प्रसारित किया जाए। उमंग सिंगार ने मांग की है कि सदन के सभी सदस्यों को उनके क्षेत्र की जनता सुनना तथा देखना चाहती है, इसलिए लाइव प्रसारण होना चाहिए और इसे करवाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने मोहन सरकार को बजट से पहले याद दिलाया सरकार को उनका वादा। उन्होंने कहा कि जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोहन सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ जी ने कहा
कि जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो वादे किए थे उसे भाजपा को निभाना पड़ेगा। वादों में किसानों का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, वहीं किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। इसके अलावा लाडली बहना योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3000 रुपये मिलना चाहिए, वहीं लाडली बहनों को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलना चाहिए। ये सभी वादे हैं, इन्हें सरकार को निभाना होगा। इसलिए कमलनाथ जी ने बजट शुरू होने से पहले मोहन सरकार को उनके वादे याद दिलाए हैं। अब मोहन सरकार बजट में ये वादे पूरा करती है नहीं, यह देखना होगा। दोस्तों, कमलनाथ जी ने कहा कि यह सब वह वादे हैं जिन पर भरोसा करके जनता ने भाजपा की सरकार बनाई है, लेकिन सरकार बनने के बाद से भाजपा इन मुद्दों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत मुख्यमंत्री ने बालाघाट जिले में कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने अपने घोषणा पत्र में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान खरीदने की घोषणा की थी। हमने जो कहा था उसे पूरा करेंगे। घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, इन 5 सालों के अंदर अपना वादा पूरा किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 29 जून को मुख्यमंत्री मोहन यादव बालाघाट आए थे और उन्होंने यह वादा किया है। इसके अलावा बालाघाट कृषि मंडी में मुख्यमंत्री ने मिलेट मिशन के तहत आयोजित अन्य उत्सव में कई अहम घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों से कोदो कुटकी की फसल MSP के आधार पर खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से 4290 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कोदो कुटकी सरकार खरीदेगी। इसके अलावा सरकार उन्हें अनुदान भी देगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बालाघाट जिले में एक्सीलेंसी कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 5 जुलाई को लाडली बहनों के खाते में राशि डालने की भी बात कही है। ध्यान रखिएगा, प्रदेश की सभी लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को अगली किस्त आ जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों की ब्याज माफ़ी के तहत घोषणा करते हुए कहा कि बालाघाट जिले के 32,161 किसानों के 41 करोड़ रुपए की राशि का ऋण माफ़ किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन 5 सालों के अंदर धान की कीमत 3100 रुपये और गेहूं की कीमत 2700 रुपये से भी ज़्यादा कीमत पर इन सभी फसलों को खरीदेगी। हर साल फसल खरीदने की दर बढ़ाई जाएगी। वहीं संकल्प पत्र को पूरा करने की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार की है, किसी को कोई कमी नहीं आने देंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये सभी बातें, ये सभी वादे बालाघाट जिले में 29 जून को कहे हैं। अब ये वादे कब तक पूरे होते हैं यह देखना होगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।